हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टीव जॉब्स के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा। इनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स है। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे इनकी लाइफ की मोटिवेशनल जर्नी। स्टीव जॉब्स को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एंटरप्रेन्योर। इनके स्टेप फादर और स्टेप मदर का नाम पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स है। इनके पिता कार के स्किल्ड मैकेनिक थे। सन 1961 में इनकी फैमिली कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू जगह पर शिफ्ट हो गई, जो साउथ ऑफ पोलो अल्टो के पास थी। उस वक्त में ये जगह बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, स्टीरियो के लिए फेमस थी। उसी दौरान इस एरिया को सिलिकॉन वैली भी वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाने लगा। ये सिलिकॉन वैली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन का यूज़ होता है। स्टीव जॉब्स का मन स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ में कम था, उनका रुझान इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के प्रति ज़्यादा था। स्टीव जॉब्स का एक पड़ोसी था जो हेलेट पैकार्ड नाम की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मैन्युफैक्चरर था, तो स्टीव जॉब्स उनके गैरेज में ही काम करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक बार हेलेट कंपनी के प्लांट में स्टीव जॉब्स लेक्चर अटेंड करने गए, तो सेमिनार में जो इस कंपनी के मालिक थे विलियम हेलेट, उनसे स्टीव जॉब्स ने अपने क्लास के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सबके सामने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मांगे, और विलियम हेलेट इनसे काफ़ी इम्प्रेस भी हुए, इनको पार्ट्स भी दिए और ख़ुद की कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए इनवाइट किया। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद सन 1972 में पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन इन्होंने पहले सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज ड्रॉप आउट किया। फिर इन्होंने इंडिया विजिट किया, कुछ महीने इन्होंने इंडिया में बिताए, मेडिटेशन किया, फिर ये वापस अपने देश चले गए। फिर इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम स्टीव वोजनैक था, उस वक्त स्टीव वोजनैक एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर स्टीव वोजनैक और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर कंपनी। इस कंपनी का नाम एप्पल इसलिए पड़ा क्योंकि स्टीव जॉब्स गर्मियों में वहाँ के पेड़ों से एप्पल तोड़ा करते थे। स्टीव जॉब्स भी एक माइक्रोबस बना रहे थे और इनके फ्रेंड स्टीव वोजनैक एक कैलकुलेटर बना रहे थे। माइक्रोबस और कैलकुलेटर की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी थी और इनकी कंपनी ने ये चीज़ें बेचकर लगभग $1,300 रेज किए एज ए स्टार्टअप मनी। धीरे धीरे ये कंपनी सर्किट बोर्ड बेचने लगी जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को होल्ड करती है। इसी दौरान ये कंप्यूटर के प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन स्टीव जॉब्स ने महसूस किया उनका बनाया हुआ कंप्यूटर एक रूम जितना बड़ा है और महंगा भी। दोनों ने कंप्यूटर को रीडिज़ाइन किया इस आइडिया के साथ कि कंप्यूटर सभी के पास होना चाहिए। सन 1977 में इनकी कंपनी ने एप्पल टू नाम का एक कंप्यूटर बनाया और इसको बेचकर लगभग उसी साल इस कंपनी ने $2.7 मिलियन रेज किए और अगले ये 3 साल में ये कंपनी लगभग $200 मिलियन की बन गई। ये यूएस की हिस्ट्री में कंप्यूटर जनरेशन का एक नया कदम था। कंप्यूटर को हर किसी तक पहुंचाने में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनैक का ही हाथ है। सन 1980 के आसपास मार्केट में कंपटीटर्स आने लगे। इस दौरान एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था। फिर इन्होंने एप्पल 3 नाम का कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके साथ भी टेक्निकल और मार्केटिंग से जुड़ी समस्या थी। लेकिन स्टीव जॉब्स ने भी हार नहीं मानी, इसको मार्केट से वापस लिया और इस पर दोबारा काम करके री इंट्रोड्यूस किया गया। सन 1983 में इन्होंने लीजा नाम का गैजेट बनाया, लेकिन ये भी फ्लॉप रहा। ये गैजेट उन लोगों के लिए था जो कंप्यूटर को कम चलाना जानते थे।
एप्पल का उस टाइम सबसे बड़ा कंप्यूटर था IBM, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और 1983 तक IBM ने एप्पल का लगभग आधा मार्केट कवर कर लिया। सन 1984 में एप्पल ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था मैकिंटोश। ये ऑन स्क्रीन डिस्प्ले था और इसके साथ एक माउस यूज़ किया गया, लेकिन ये भी मार्केट में फ्लॉप रहा और ये एप्पल कंपनी का बिगेस्ट फेलियर था। सन 1985 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी से रिजाइन दे दिया। इस समय स्टीव जॉब्स बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे। फिर सन 1988 में इन्होंने अपने कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ को लेकर एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नेक्स्ट। ये एक सॉफ्टवेयर था। इन्होंने इस कंपनी में कंप्यूटर को रीइंट्रोड्यूस किया और एजुकेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। शुरुआत में इस कंप्यूटर को लेकर लोगों के रिएक्शन अच्छे थे। ये कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली भी था, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां थी। ये महंगा था, स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट थी और इसको दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक नहीं किया जा सकता था। 1986 में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खरीदी जॉर्ज लुकास से, जो एक फिल्म मेकर थे, और कंपनी का नाम था पिक्सर। ये कंपनी कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म बनाती थी। पिक्सर कंपनी ने 3 एनिमेटेड फिल्म्स, टॉय स्टोरी, ए टॉय स्टोरी 2, ए बग्स लाइफ फिल्में बनाई। ये तीनों एनिमेटेड फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा टिकट कलेक्शन कर पाई और ये एनिमेशन फिल्म एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए आशा की किरण भी थी। सन 1996 में एप्पल कंपनी ने, जिसको ये छोड़कर आए थे, इनका जो सॉफ्टवेयर था नेक्स्ट लगभग $400 मिलियन में खरीदा। और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के टेम्परेरी CEO बन गए। फिर एप्पल कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और अगले 6 सालों तक एप्पल अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को लाने लगा। 1997 में स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि हम अपने कंप्यूटर्स को डायरेक्टली यूजर्स को बेचेंगे टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू। 1998 में स्टीव जॉब्स ने iMac लॉन्च किया। 1999 में iBook, ये एक लैपटॉप था जो अलग अलग ब्राइट कलर्स में आता था। इस लैपटॉप के साथ एयरपोर्ट नाम का गैजेट भी लॉन्च किया गया जो यूजर्स को वायरलेस इंटरनेट यूज़ करने के लिए अलाउ करता था। और जनवरी 2000 में स्टीव जॉब्स की बेहतरीन स्ट्रेटजी और दूरगामी सोच की बदौलत इनको एप्पल कंपनी का परमानेंट CEO बना दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एप्पल कंपनी का पहला आईफोन लॉन्च हुआ। इस फ़ोन ने भारतीयों के दिल में भी जगह बनाई। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एप्पल कंपनी का एक विशेष योगदान है। और हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, स्टीव जॉब्स का निधन 5 अक्टूबर 2011 को हुआ और वॉल्टर नाम के बंदे ने इनकी एक बायोग्राफिकल बुक लिखी। ये CNN और टाइम के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे। ये बुक 24 अक्टूबर 2011 को लॉन्च हुई, उनके देहांत के 19 दिन बाद। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करने का रीज़न ये है कि इंसान के जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफें आएं, वह उनसे घबराए नहीं बल्कि उनसे संघर्ष करे। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।